आज मैं आपको जो टांका सिखाने वाली हूँ उसको कहते हैं जनाब का टांका। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जी का टांका। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टीचर बाजी प्रो। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खैर खैरियत से रखे और हमारे साथ रखे। हमारा बहुत सारा प्यार जी तमाम फ्रेंड्स के लिए और ढेर सारी दुआएं जी। अच्छा जी, ये है हमारे पास फ्रेम और ये है हमारे पास सुई धागा और ये है हमारे पास, हमने जो फूल अभी बनाया है पेंसिल से वो ये आपके सामने बनाया है जी। आज मैं जो टांका आपको करवाऊंगी वो करवाऊंगी जनाब काज टांका, ठीक है जी। अभी आपने बहुत ही प्यार से इसको करना है काज टांके को और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जी। इसको काज वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस टांके को और काज की तरह फूल भी बनाए जाते हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी में। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये और यकीनन आपको भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे जी। अभी आप देखते चले जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको लगेगा जी। ये हमने फूल खुद बनाया है, पेंसिल आपने छोड़ दो, मैंने दो लाइनें आपने राउंड में बनाई हैं। आपको पता नजर आ रहा होगा कि फूल जो मैंने बनाया है वो मैंने डबल लाइन में बनाया है जनाब। तो मैं अंदर वाली जो लाइन है उसके जरिए निकाल रही हूं इसको सुई को जनाब, ठीक है जी। तो आपने ये धागे को राइट पे रख के अंगूठे के नीचे दबाना है और यहां से इसके साथ साथ टांके आपने लेते चले जाना है जी। ये देखें, ठीक है जी। फिर आपने इसके नीचे दबाना है हाथ के नीचे अंगूठे के नीचे और बिल्कुल साथ साथ टांका आपका जाए, ठीक है जी। ये देखें, बहुत ही प्यारे लगते हैं जनाब। जिस वक्त आप इसको कढ़ाई में लेकर आएंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब आप बनाएंगी इसको जी। हर चीज़ बनाने से आपको पता है ना कि खूबसूरत लगता है और खूबसूरत लगती है और यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसको हम जो तकिए वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी, जो यानी कि जो भी चीज़ आप बनाना चाहें कढ़ाई की उसके ऊपर ये काज टांका बहुत ही खूबसूरत लगता है जी, बहुत ही खूबसूरत। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं साथ साथ इसके कवर किए जा रही हूँ जी। बिल्कुल आपने जड़ में टांका लेना है, जड़ में। ये जो रेशमी धागे मैं इस्तेमाल करती हूँ ये बहुत ही रिलायबल धागे हैं जी और ये आप इस्तेमाल आराम से अपने जो हैंड एम्ब्रॉयडरी करने वाले लोग हैं वो इन धागों को खूब अच्छी तरह जानते हैं जी, कौन से हमारे पास धागे रिलायबल हैं जी। और ये धागे बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही पक्के रंगों में हैं और इनके कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं जी। ये देखें, बिल्कुल मैं आपके सामने इसको जड़ से उठा रही हूँ। और आपने भी इसी तरह इसको जड़ से उठाना है जी। अंगूठे के नीचे आपने धागा जरूर दबाना है, राइट पे धागा रखना है। छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं, बेबीज के कपड़े जो होते हैं, उनके दामन पे ऐसे छोटे छोटे फूल बना के इंसान अपने घर में खुद भी अपने बच्चों के लिए कपड़े तैयार कर सकता है जी। और यही आप यकीन करें कि हैंड एम्ब्रॉयडरी के हम ये छोटे छोटे टांकों वाले अगर कपड़े बाजार से खरीदें ना छोटे बच्चों के लिए, तो आप यकीन करें कि उनके वो प्राइस इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई हद हिसाब नहीं। तो ये आपको यहीं से जब आप खरीदने के लिए जाएंगे ना छोटे बच्चों के कपड़े, तो आपको प्राइस से ही पता चल जाएगा जी हैंड एम्ब्रॉयडरी की कितनी अहमियत है। ऐसे लोग जो है ना, लोगों को इस चीज़ की अहमियत का पता नहीं चलता, लेकिन जिस वक्त लेने के लिए जाओ ना तब पता चलता है कि हाँ ये तो चीज़ें हमें भी आती हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा महंगा मिल रहे हैं यहाँ पर कपड़े। तो इससे बेहतर है कि आप खुद भी जो है इनको आराम से कॉटन पीस में या कोई भी लिनन में कपड़े ला के, सादा कपड़े पर ज़्यादा चीज़ खूबसूरत लगती है जी। तो अपने बच्चों के लिए आप सादा कपड़े ला के बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है ये फारिग टाइम, तो जारी बात है हर इंसान के पास थोड़ा सा घर में होता ही है, तो अपने इन्जॉयमेंट के लिए भी इंसान और अपने एक्सपीरियंस के लिए भी इंसान जो है ये थोड़ा बहुत काम कर ले तो बहुत ही, मैं तो कहती हूँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें और चीज़ भी बन जाती है, अपना टाइम भी ख़राब नहीं होता और बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस जो है हम तैयार कर सकते हैं जी। और बच्चे भी घर के जो है खुश हो जाते हैं कि हमारे घर वालों ने हमारे लिए कपड़े बनाए हैं कढ़ाई वाले, बहुत ही खूबसूरत। साथ साथ आपने जड़ के साथ साथ उठाते चले जाना है। ये देखें मैं कितने खूबसूरत तरीके से उठा रही हूँ जी और आपको नज़र आ रहा होगा। जी व्यूअर्स, हम देखें कि अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने वाले हैं और ज़बरदस्त टांका खूबसूरत बन के आ रहा है जनाब, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा।
हैंड एम्ब्रॉयडरी जो होती है ना जी, इनके जो टांके टांके होते हैं, ये टांके इंसान को आने चाहिए हर सूरत में। ठीक है जी, आप अपनी मर्ज़ी से ना कुछ भी जो है ड्रेस करवा के अपनी मर्ज़ी से जो है ना आप लोग कोई भी टांका किसी फूल पर भी चला सकते हैं जनाब। और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए खूबसूरत से खूबसूरत ड्रेसेस, तकिए, चादरें, ये सारी चीज़ें आप अपने प्यार से, बहुत ही प्यार से बना सकती हैं जी, मेहनत करके। आपको पता है ना, हर चीज़ जो है मेहनत से खूबसूरत लगती है जी। अगर मेहनत करेंगे तो मैं कहती हूँ कि ये तो इतनी खूबसूरत चीज़ है ना हैंड एम्ब्रॉयडरी, के इंसान का जहन जो है ना परेशान नहीं होता। तो अपना जो थोड़ा बहुत टाइम आपका घर में निकले, आप एक फ्रेम ले लें, थोड़े से धागे ले लें, सुई ले लें, और इस तरह जो है ये टांके बैठ के करें आप लोग, तो एक तो आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं होगा, ऊपर से आपका जहन मुंतशर नहीं होगा, और टाइम भी जो है आपका सर्व हो जाएगा, और दिमाग भी आपका परेशान नहीं होगा, और चीज़ की चीज़ भी बन जाएगी जी। फिर इंसान को खुशी भी होती है कि हमने अपने हाथ से ये चीज़ बनाई है, तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी आपको पता है तो कोई भी नहीं होती जी। इंसान जब अपने हाथ से कोई चीज़ बनाता है तो उसकी खुशी एक अलग से ही होती है जी। बिल्कुल, आपने जड़ के साथ साथ टांके उठाते चले जाने हैं जी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा जिस वक्त ये बन जाएगा जी। मेरे चैनल पे आप ज़रूर जाया करें जी, टीचर बाजी प्रो पे, और वहाँ पे आप देखा करें मेरे चैनल की जो जितनी भी वीडियो हैं, पहले पुरानी वाली जो वीडियो पहले इतनी ज़्यादा अपलोड हुई हुई हैं, तो आप ज़रूर देखा करें। देखने पता है क्या, आपको जब वीडियो आप खोलेंगी ना टीचर बाजी प्रो की, तो आप जारी बात है उसमें से बहुत ज़्यादा आपको मवाद मिलेगा जी, बहुत ज़्यादा सीखने के लिए चीज़ें मिलेंगी। तो इससे भी इंसान इस्तेफादा लेता है, जारी बात है कोई भी जो काम है ना घर बैठे नहीं आता जी। ठीक है जी, इंसान जब तक बाहर नहीं निकलता तो उनको नहीं पता चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो चैनल खोलेंगी तो जैसे चैनल खोलेंगे आप लोग, तो अच्छे से अच्छी जो भी वीडियो आप देखना चाहें, कटिंग की वीडियो देखें, स्टिचिंग की देखें, ड्राफ्टिंग की देखें, हैंड एम्ब्रॉयडरी की देखें, मेहंदी की देखें, जो भी आपको अच्छी लगी जी ज़रूर देखें उनको, और उनको जो है करने की कोशिश किया करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वहाँ पर वीडियो मिलेंगी, और बहुत ही नॉलेज में इजाफा होगा जी। ये देखें, मैंने आपके सामने ये पूरा का पूरा जो है ये फूल जो मैंने बनाया था चार पत्तियों में जी, बहुत ही खूबसूरत काट टाँके के साथ मैंने इसको कवर कर दिया। ये देखें कितने खूबसूरत से बन के आया है, और यहाँ पर हमारा टाँका जो ख़त्म हो रहा है, तो हम इसको इसके नीचे से यहां से ये जो टांका लिया हुआ है आ रहा है, यहीं से हम इसको नीचे ले जाएंगे जी। ये देखें, मैं नीचे ले गई, और ये देखें ले गई हूं, और यहां मैं आपके सामने इसको पक्का करना चाह रही हूं जी। पक्का करने के लिए आप किसी पक्का करने के लिए आप किसी भी टांके के नीचे से इसको निकाल के ले जाएं जी। जी वेवर्स, देखें हमने कितना खूबसूरत ये काई टाँका बनाया है जनाब, और आपको यकीन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बहुत ही खूबसूरत टाँका है जी, जिस वक्त आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना खूबसूरत टाँका है। आप अपने घर में एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं जी, अच्छी से अच्छी एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं। हमारी दुआएँ हैं आपके साथ। मेरे चैनल पर जितने भी वेवर्स हैं जी, जो भी चीज़ सीखना चाहेंगे ज़रूर उनको यहाँ से इस्तेफादा मिलेगा मेरे चैनल से। मेरे चैनल पर जाया करें, मेरे चैनल की वीडियो देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताया करें जी आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।